अगर नेल्स अपनी प्रॉब्लम बता पाते तो कैसे बताते? ये देखो, मैं तो पीला नेल हूँ, लगता है फंगस लग गई है। इसको देखो, नाखून ऐसे खा रही है जैसे खाना खा रही हो। तो खुद को देख, ऐसा लग रहा है जैसे नेल्स में भूकंप आ गया हो। देखो, नेल ग्रोथ की बातें उजड़े हुए क्यूटिकल्स और ड्राई नेल्स वाले कर रहे हैं। तो इनकी और आपकी नेल ग्रोथ का जिम्मा लिया है मैंने, और फीस है ढेर सारा प्यार, कॉमेंट और 1,00,000 लाइक्स। तो नेल्स ग्रोथ के लिए क्या करो? बर्तन धो, कपड़े धो, धोते रहो, झाड़ू पोछा, और ये सोप और डिटर्जेंट है ना, नेल्स की बाट लगा दिया। बहन, समझती हूँ नेल वीक हो गए होंगे, पर काम करने का तरीका तो बदल सकते हैं ना। मतलब ये लो, और कंफर्टेबल नहीं हो ना तो काम करने के पहले और बाद में वैसलीन की नेल्स पे लेयर लगा लेना। और काम करने के बाद थिक मॉइस्चराइजर लगा लेना, उससे नेल्स अच्छे रहेंगे। इतना कर सकती हूँ। दूसरी प्रॉब्लम के लिए इस लड़की के पास चलते हैं। नेल्स बढ़ाने हैं, धोनी की फैन है तो नेल क्यों वाइट कर रही है? इससे थोड़ी ना नेल बढ़ेंगे और कीड़े पड़ेंगे तेरे पेट में, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा सो अलग। बाइटिंग छोड़ेगी तो क्यूटिकल्स की स्किन ब्रेक नहीं होगी। दीदी, पर मेरी तो आदत बन चुकी है। आदत बन चुकी है ना, चल। अब ठीक है ना? है, इससे क्या होगा? बेटा, बिटर टेस्ट की नेल पेंट लगा दी थी मैंने, और अगर वो भी ना हो ना तो आप करेले या नीम का जूस भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, थोड़ा कड़वा लगेगा पर नेल बाइटिंग की आदत तो चली जाएगी। अब खाओ ने, खाओ। नहीं खाने। हाँ भाई, तीसरी तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो इसके ड्राई और ब्रेकेबल नेल्स देखो, और ये है नेल पेंट रिमूवर। इसमें है हायर एसीटोन लेवल। जितना ज्यादा आप उसे नेल पेंट हटाने के लिए यूज करोगे, आपकी नेल्स की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। तो सॉल्यूशन ये है कि लेना है एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर। तेरा वीडियो तो नेल ग्रोथ का है, तू ब्रीदिंग क्यों कर रही है? जिस तरह स्किन और हेयर को ब्रीदिंग और ब्रेक की जरूरत होती है ना, उसी तरह से नेल को भी ब्रीदिंग और ब्रेक की जरूरत होती है। अब इधर से, मुझे पता है कि नेल पेंट लगाना हम सबको पसंद है, पर अगर आप कंटिन्यूसली नेल पेंट लगाओगे और ब्रेक नहीं दोगे ना, तो आपके नेल चिप हो जाएंगे और येलो भी पड़ जाएंगे। तो येलो नेल्स के लिए लेमन स्लाइस लो और 5 मिनट उसे नेल पर रब कर लो। लेमन का सिट्रिक एसिड और विटामिन सी नेल को लाइट और ब्राइट करेगा और डार्क स्पॉट्स हटाएगा। अब वार्म वाटर से जेंटली रिंस कर लो। फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाना है, हाँ जी, क्यूटिकल्स पे भी, और हल्के हल्के मसाज कर लो। और बाहर जा रहे हो ना तो सनस्क्रीन फेस के साथ साथ हाथों में भी लगा लेना, क्योंकि लेमन यूवी सेंसिटिव होता है तो आपकी स्किन डैमेज होने से बचेगी। और हाँ, आपकी उंगली में चोट वोट लगी हो ना तो ये रेमेडी थोड़ा अवॉइड करना, और करना सिर्फ 2 बार ये वीक में, और देखते देखते नेल्स की येलोनेस गायब हो जाएगी। अब आते हैं नेल ग्रोथ की मजेदार पड़ाव पर। यार, ब्रिटल नेल वालों की भी बड़ी समस्या है, जरा सा नेल कहीं छूते हैं और टूट जाते हैं, तो गार्लिक यानी कि लहसुन कब काम आएगा? बस लहसुन का एक स्लाइस लो, उसे कट करके जेंटली अपने नेल्स और क्यूटिकल्स पे रब कर लो। सारा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी चला जाएगा और नेल ग्रोथ होगी सो अलग। और अभी बताया था ना, अगर हाथ कटे पिटे तो आप लेमन यूज नहीं कर सकते, वो ये आराम से यूज कर सकते हैं, और इससे भी येलोनेस कम होगी। ए, उठ उठ, कटे पिटे क्यूटिकल्स वाली, क्यूटिकल्स, अरे क्यूटिकल्स ही करते तो इधर आ। अरे देख, एक स्मॉल बाउल ले, उसमें 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल, 10-15 सेकंड तक हल्का गरम कर। हो गया, अब निकाल के अपने नेल्स एंड क्यूटिकल्स पे 5 मिनट तक अच्छे से मसाज कर। और बस प्लास्टिक ग्लव्स में हाथ डाल और सो जा। नहीं है मेरे पास। अरे तो फूड रैप तो होगा, उससे अपने हाथ को रैप कर और सॉक्स में डाल के सो जा। रात में तुझे कौन सा हाथ का यूज करना है? इसकी प्रॉब्लम है खाना। हाँ भाई, खाना मतलब बैलेंस डाइट।
खासकर ब्रिटल नेल वालों को ऐसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनमें विटामिन ए सी और बायोटिन की कमी होती है। ये देखो नेल होते हैं प्रोटीन केराटिन की लेयर से बने और प्रोटीन की कमी से ऐसे दिखते हैं। अब सॉल्यूशन ये है कि प्रोटीन रिच डाइट खाओ, जैसे कि पालक खाओ, एग्स खाओ और हरी सब्जियां खाओ। उससे आपकी नेल ग्रोथ ही नहीं हेल्दी नेल ग्रोथ होगी। ये पहन के सोना है और हाँ सुन, ऐसा रोज करना, अरे और ये तो सो गई, आप सुनो, ऐसा रोज करना है और मेकअप करके ही सो गई। क्या सोच रही है यार, सैलरी आने वाली है और बोनस मिल जाता है ना तो मजा ही आ जाता है, तो इसीलिए मैं आपको भी बोनस देने वाली हूँ इस बार। तो बोनस नंबर वन, नेल पेंट से प्यार है ना आपको, मुझे भी है, पर ये याद रखना कि आपकी प्यारी नेल पेंट में कहीं हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है, वो भी आपकी नेल ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो अगली बार नेल पेंट लेने जाओ ना तो अच्छे से चेक करना। बोनस नंबर टू, नेल्स एंड क्यूटिकल्स प्लस मॉइस्चराइजर इज इक्वल टू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग नेल्स। नो मॉइस्चराइजर, नो नेल्स। I love अंकु, मेरे तो पीले नेल्स भी चले गए और मेरे तो नेल ब्रेकेज भी चलेगा, इसलिए तो मैंने वीडियो को लाइक भी कर दिया और अब मैं अपने नेल्स को खाती भी नहीं हूँ। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और इन टिप्स को फॉलो करना है और अनायसा को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। तो चलो बाय बाय बोलो सब लोग। बाय बाय।